नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में, कौन सी खबर रही सुर्खियों में। फ्लाइट से आने वाले नहीं होंगे क्वारंटाइन, ट्रेनों के 89 टिकट बुक पर 997 कैंसिल। राजधानी से मुंबई को छोड़कर देश के कई प्रमुख शहरों के लिए फ्लाइट 25 मई से शुरू हो जाएंगी। चार फ्लाइट की करीब 750 सीटों में 480 से ज़्यादा सीटें बुक हो गई। ट्रेनों के रिजर्वेशन के पहले दिन ही 89 टिकट रिजर्व कराए गए, लेकिन हैरत की बात यह भी है कि इससे 10 गुना ज्यादा यानी करीब 997 लोगों ने अपनी यात्रा रद्द करते हुए लाइन में लगकर टिकट कैंसिल भी करवा लिए। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार एयरपोर्ट अथॉरिटी अफसरों ने बताया कि फ्लाइट से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, इन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा और सभी एहतियात के साथ अपने घरों में ही रह सकते हैं। आरक्षक पद पर भर्ती करवाने के नाम पर 12 लाख की ठगी। रायपुर में पुलिस आरक्षक के पद पर भर्ती करवाने के नाम पर लोगों से 12 लाख रुपए लेने के मामले में अपने ही दो आरक्षक के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। दोनों आरोपी सीएएफ के जवान हैं। मंदिर हसद थाना में दोनों आरक्षकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। इनमें आरोपी प्रमोद रजक 13वीं बटालियन बांगो कोरबा और दूसरा विजय कुमार रॉय उर्फ अप्पू रॉय 18वीं बटालियन मनेंद्रगढ़ में पदस्थ हैं। दोनों आरोपी पुलिस आरक्षक फरार हैं। छत्तीसगढ़ में एक दिन में संक्रमण के नए 40 मामले, एक्टिव केस हुए 110। छत्तीसगढ़ में बीते दिनों कोरोना संक्रमण में विस्फोट हुआ है। दिन में संक्रमण के 20 नए मामले सामने आने के बाद रात को फिर 20 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक दिन में ही 40 इजाफा हो गया है। बिलासपुर कोविड-19 अस्पताल में भर्ती 3 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। तीनों जांजगीर के रहने वाले हैं। इसके बाद प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 110 पहुंच गई है। वहीं कुल केस 172 हो गए हैं। हर दिन कोरोना बना रहा रिकॉर्ड। देश में 24 घंटे में 6,654 नए केस और 137 मौतें। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में हर दिन इजाफा देखने को मिल रहा है और रोज यह सबसे अधिक मामलों का रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। आज भी कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा उछाल सामने आया है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से 6,654 नए मामले सामने आए हैं और करीब 137 लोगों की मौतें हुई हैं। शनिवार को जारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर करीब 1,25,101 हो गए हैं और कोविड-19 से अब तक 3,720 लोगों की मौत हो चुकी है। महाचक्रवात एम्फान का असर। सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र से 26 मई तक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें ना भेजने को कहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेल मंत्रालय से चक्रवात अम्फान के मद्देनजर 26 मई तक राज्य में श्रमिक स्पेशल ट्रेनें नहीं भेजने को कहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा की तरफ से रेलवे बोर्ड के प्रमुख वी के यादव को 22 मई को लिखे पत्र में कहा गया है कि राज्य 20 और 21 मई को महाचक्रवात अम्फान से बुरी तरह प्रभावित है, जिससे अवसंरचना को अत्यंत नुकसान हुआ है। मालदीव ने नाकाम की पाकिस्तान की चाल, इस्लामोफोबिया के आरोप पर दिया भारत का साथ। पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर बेइज्जती हुई है। संयुक्त राष्ट्र में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की वर्चुअल मीटिंग हुई। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत में इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। पाकिस्तान के आरोपों का मालदीव ने दो टूक जवाब दिया। मालदीव ने कहा, सोशल मीडिया पर चंद लोग जो हरकत या बयानबाजी करते हैं उसे 130 करोड़ भारतीयों की राय नहीं समझा जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी इवांका ट्रंप ने बिहार की ज्योति के हौसलों की तारीफ की, कहा इससे भारत के लोगों की भावनाओं का पता चलता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और सलाहकार इवांका ट्रंप ने बिहार की 15 साल की बच्ची ज्योति के हौसलों की तारीफ की है। ज्योति ने अपने जख्मी पिता को साइकिल पर बिठाकर 1200 किलोमीटर की दूरी तय की थी। वे 7 दिन साइकिल चलाकर अपने घर पहुंची थी। इवांका ने कहा है कि ज्योति ने जो किया वह सहनशीलता और अपनों के लिए प्यार का एक खूबसूरत उदाहरण है। इससे भारत के लोगों की भावनाएं पता चलती है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पैदल घर लौट रहे प्रवासियों से बातचीत का वीडियो किया जारी। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की। राहुल गांधी की ओर से आज इस मुलाकात की डॉक्यूमेंट्री जारी की गई है। वीडियो में घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों ने अपना दर्द बयां किया है। ये प्रवासी मजदूर हरियाणा से उत्तर प्रदेश के झांसी पैदल जा रहे थे। इस वीडियो में एक प्रवासी महिला यह कह रही है कि वे 3 दिन से भूखे हैं, भूख से मर रहे हैं, उसके साथ बच्चे हैं, घर नहीं जाए तो क्या करें। प्रवासी मजदूरों की मदद को आ गया है सोनू सूद। कोरोना वायरस का कहर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, लेकिन लोगों के हौसले भी बुलंद है। जहां एक और कोरोना से जूझने में कोरोना वॉरियर्स अपनी भूमिका मजबूती से अदा कर रहे हैं, तो वहीं बॉलीवुड सितारे भी लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सोनू सूद भी उन सितारों में से एक है जो दिल खोलकर लॉकडाउन में लोगों की सहायता कर रहे हैं। कई मजदूर पैदल ही घर को बढ़ रहे हैं, ऐसे में सोनू सूद ने कई लोगों को उनके घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। एक बार फिर सोनू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्विटर के जरिए घर जाने वाले बेबस लोगों से संपर्क किया और उनकी मदद की है। कोरोना के बीच 5 महीने में 22 टूर्नामेंट की घोषणा। साइना, कश्यप और प्रणीत ने शेड्यूल को बताया खतरनाक। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने शुक्रवार को नया कैलेंडर जारी किया। इसके मुताबिक कोरोना वायरस के बीच अगले 5 महीनों में 22 टूर्नामेंट कराए जाएंगे। भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल, पी कश्यप, बी साई प्रणीत समेत अन्य खिलाड़ियों ने कैलेंडर की आलोचना की है। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए। अक्सर आपके संस्थान, घर, मकान, दुकान पे OTS होता है। OTS मतलब ओपन टू स्काई, ऐसी जगह हम खुला छोड़ देते हैं जिससे हमारा लेटरिन बाथरूम या किचन को प्रकाश मिलता हो, तो यह इन OTS पे हम विशेष ध्यान नहीं रख पाते। यह OTS कचरे, गंदगी, कबाड़ से भरा हुआ होता है। OTS का निर्माण हम करते हैं सूर्य के रोशनी को, सूर्य के प्रकाश को उस स्थान पे प्रवेश कराने के लिए जो कि जहाँ कोई रोशनी नहीं है। तो आइए इन OTS को इन खुले हुए स्थान पे हम पहले उसको साफ सुथरा करें, उस पे रंग रोगन करें या उसकी दीवार पे, पूरी दीवार पे टाइल्स लगा दें, या अगर टाइल्स लगा हुआ हो तो हम उसको हमेशा धोते रहें, साफ करते रहें, जिससे उस खुले हुए OTS से ज़्यादा प्रकाश आपके लेटरिन बाथरूम में या जहां प्रकाश जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रकाश घर को देना शुरू कर दें।